लाइबिलिटीज़ अब देखिए हमको बिजनेस चलाना है है ना तो बिज़नेस चलाने के लिए हमको क्या चाहिए बिजनेस चलाने के लिए हमें चाहिए कैपिटल और पूरी दुनिया में एंड ध्यान से सुनिए पूरी दुनिया में कैपिटल के दो ही तरीके हैं और दो तरीके कौन से हैं पहला है एक्विटी दूसरा है डेट डेट यानी कि बॉरइन तो लाइवलिटीज़ uh, क्या है अब देखिए जैसे करंट एसेट्स का हमने देखा कि करंट एसेट्स दो तरह की होती हैं नॉन करंट एसेट्स एंड द ओके इज इट ओके नाउ नाउ क्लियर ऑल राइट गुड थैंक यू थैंक यू संतोष दिस इज अ दिस इज अ गुड गुड मैकेनिज्म सो अब इन द बिजनेस आर ऑफ टू टाइप करंट लाइबिलिटी एंड दी नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है करंट लाइबिलिटी का मतलब है समथिंग समथिंग दैट वी हैव टू डिस्चार्ज इन अ पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स यानी कि वो पैसा जो हमारे हमारे बिजनेस में किसी और का हमारे ऊपर ड्यू है वो पैसा हमको बारह महीने के अंदर वापस करना है इट इज नॉन एज करंट लाइबिलिटी एंड वॉट इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब है अ लाइबलिटी दैट इज टू बी पेड बैक टू पर्सन हू गिव दैट टू अस इन अ पीरियड विच इज मोर देन ट्वेल्व मंथ्स सो दैट्स योर नॉन करंट लाइबिलिटीज़, सो लाइब्रेटीज दो तरह के हैं करंट लाइबिलिटीज एंड द नॉन करंट लाइबलिटीज सो नॉन करंट लाइब्रेटीज में क्या क्या आएगा टर्म लोन यानी कि आपने पंजाब नेशनल बैंक से प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपने लोन लिया या आईसीआईसीआई बैंक से आपने प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया या आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया सो so, वो जो लोन है वो जो लोन है दैट इज़ योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अदर्स ऑब्लीगेशन अब जैसे कुछ और भी ऑब्लिगेशन होते हैं आप बिजनेस में हो है ना तो एम्प्लॉयमेंट uh, के प्रोविजन्स करने पड़ते हैं सुपर uh, इनोवेशन का प्रोविजन करना पड़ता है ग्रेचुटी का प्रोविज़न करना पड़ता है तो ये सारे लीव एनकेशमेंट का प्रोविज़न करना पड़ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी तो ये जो सारे अमाउंट्स हैं वो आप कब पे करोगे वो कंपनी पे करेगी एक साल के भी आगे सो दैट इज वाई ऑल दोज आर रेफर्ड एज लॉन्ग टर्म लाइवलिटीज़ ना वॉट आर दी करंट लाइवलिटीज़ आपने माल उधारी में लिया यू हैव बॉट द रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट दैट इज़ नॉन एज ट्रेड पेबल यानी कि जो पैसा आपने उधार लिया जो पैसा आप जिस जो आपने मटेरियल लिया परचेज किया रॉ मटेरियल और जिसका जो कि आपने क्रेडिट पर परचेज किया है दैट मीन्स यू हैव नॉट पेड टू दप्लायर यू गु पेड टू हिम इन फ्यूचर सो दैट इज योर ट्रेड पेबल अदर करंट लाइबिलिटीज़ अब हाउसिंग वाला है उसका पेमेंट हम एक महीने के बाद करें या सिक्योरिटी है उसका पेमेंट एक महीने के बाद करें या और भी कोई सब ऐसी इस तरह के खर्चे हो सकते हैं जिनका कि पेमेंट हम फ्यूचर में करने वाले हैं हमारे डे टू डे के खर्चे हैं लेकिन उनका पेमेंट हम फ्यूचर में करने वाले हैं सो ऑल दैट विल ऑल्सो बी योर योर करंट लाइबिलिटी एंड देन बैंक फाइनेंस बैंक फाइनेंस तो आपकी वर्किंग कैपिटल के लिए भी आप बैंक से लोन लेते हो है ना तो जो वर्किंग कैपिटल के लिए आप जो लोन लेते हो दैट इज़ ऑल्सो क्लब टुगेदर एज योर

नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्यूटर फर्नीचर एंड ऑल दैट टर्म जो है लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं जस्ट फॉर योर नॉलेज एक बड़ी चीज जो आपको याद है वो ये कि नॉन करंट एसेट्स आर यूज फॉर कन्वर्टिंग करंट एसेट्स इनटू कैश रॉ मटेरियल को कैश में कैसे कन्वर्ट करोगे रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट करोगे हाउ बाय यूजिंग योर प्लांट एंड मशीनरी यूजिंग योर बिल्डिंग यूजिंग योर फैक्ट्री प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल सो दैट इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर नॉन करंट एसेट्स आर यूज फॉर कन्वर्टिंग रॉ म करंट एसेट्स इन कैश सो नॉन करंट एसेट्स के एग्जाम्पल आपके सामने हैं स्क्रीन के ऊपर इंटेंजिबल्स हैं इंटेंजिबल का मतलब क्या है ट्रेड नेम ब्रांड नेम लोगो रॉय टेक्निकल नोहाओ पेटेंट डिजाइन और दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स इनटेंजिबल एसेट्स आर ऑल्सो योर नॉन करंट एसेट्स टेंजिबल में क्या है लैंड है बिल्डिंग है प्रॉपर्टी प्लांट एंड एकमेंट है कंप्यूटर है फर्नीचर है ये सारे आपके इनटेंजिबल एसेट्स हैं और करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा करंट एसेट्स में आप देख सकते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस है ठीक है वो तो कैश ही है सो so सबसे पहली चीज़ होगी उसके बाद में रिसीवेबल्स हैं यानी कि आपने कस्टमर को माल उधारी में दिया उधारी में दिया तो वो पैसा आपको कुछ समय के बाद आने वाला है तो टिल द टाइम टिल द टाइम यू रिसीव दिस मनी बैक इट इज़ योर रिसीवेबल एंड इट इज़ योर करंट एसेट्स करंट एसेट्स बिकॉज वन डे जब वो जो आपका जो कस्टमर है जब उसको पे कर देगा तो ये जो रिसीवेबल हैं इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू कैश फिर इन्वेंट्री है इट इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफ करंट एसेट्स और फिर लोन्स एंड एडवांसेस हैं लोन्स एंड एडवांसेस का के बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है लोन्स एंड एडवांसेस ये कौन से हैं ये लोन्स एंड एडवांसेस वो हैं जो कि आपने दिए हैं आपका एम्प्लॉय है ही इज़ गोइंग ऑन ट्रेवल फॉर अ बिजनेस पर्पज़ ही इज़ टेकिंग ट्रेवल एडवांस इट इज पार्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एक एम्प्लॉई है आपके पास आके उसने बोला कि मेरे सिस्टर की मैरिज है कैन यू प्लीज गिव मी थ्री मंथ सैलरी इन एडवांस एंड यू टू हेल्प हिम गिव हिम अ थ्री मंथ सैलरी इन एडवांस सो दिस सैलरी गिवन इन एडवांस विल कम इन योर बैलेंस शीट एज पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स अंडर दाइटल लोन्स एंड एडवांस सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस शीट अब यह बैलेंस शीट अच्छी है कि अच्छी नहीं है ये कैसे मालूम पड़ेगा है ना तो ये हम मालूम करेंगे कल कल जब हम द्वारा से मिलेंगे उस समय हम ये समझेंगे कि भैया हमने बैलेंस शीट समझ ली अब हम पी एंड एल को समझेंगे फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझेंगे और कल हम जो हमारा डिस्कशन होगा उसका फोकस ये होगा कि भाई ये समझ लिया ठीक है लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करें है ना सो दैट वी विल डू टुमारो ना लेट्स कम टू दी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो आपको चीज समझनी है वो ये सबसे पहले सेल्स सेल्स में से आप क्या करोगे सबसे पहला फिगर आप आएगा सेल्स और सेल्स के नीचे आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड समझ के लीजिए व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड